आवाज आ रही है दिव्यांशी आमना तुफैल, जल्दी बजाएं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए सारे लोग, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर रहे हैं। जी आंसर दीजिए। अच्छा चलिए तीनों स्टूडेंट बताएं क्या यहाँ पर एसटीपी की कंडीशन है या नहीं, जल्दी बताएं क्या ये एसटीपी की कंडीशन है। नो सर। नो। तुफैल? हाँ तो देखिए जब मैंने कहा था गैस है तो मैंने एक फॉर्मूला सबको बताया था, हो सकता है तुफैल को नहीं बताया गया हो। PV is equal to nRT, आमना दिव्यांशी पढ़ाया था मैंने। हाँ सारे लोग सुने अगर, और तुफैल खासकर सुने, अगर गैस का मोल निकालना हो और गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है विदाउट STP तो हम मोल्स PV is equal to nRT, तो n यहाँ पर मोल्स है, R की वैल्यू मैंने कहा था कि आपको ये लेना, ये आपके सिलेबस में है, पहले चैप्टर में नहीं है, ये फिफ्थ चैप्टर में है, लेकिन ये इसलिए बताया जा रहा है कि रिलेटेड कंसेप्ट है इसलिए, और ये स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ पर 22.4 लीटर का इस्तेमाल नहीं होगा।
ठीक है, तो ये याद रखना है कि अब यहाँ पर मोल्स जो होगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम आर इनटू टेम्परेचर, तो प्रेशर 8.21, वॉल्यूम आपको 3 लीटर, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300। अब इसको सॉल्व करें तो एग्जैक्ट आ जाएगा, कैलकुलेशन आसान है। कितना आ रहा है? 1 मोल। 1 मोल बताइए आप कौन, आपका नाम? तुफैल जी। तुफैल, अच्छा तुफैल हैं, बहुत अच्छे आदमी है भाई आप, 1 मोल आ गया, बहुत अच्छे आदमी हैं। इस और आप, हाँ दिस इज द आंसर। यश इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, अब तक यही क्वेश्चन हुआ है, इसको लिख लीजिए, मैं एक रिवीजन का कंसेप्ट समझा देता हूँ, समझा, इसको लिख लीजिए और अब इसके रिलेटेड क्या क्या मैंने समझाया है वो एक दफा मैं रिकैप करा देता हूँ, ये आपको समझ में आएगा। नहीं पूरी नहीं। यश लिख लिया क्वेश्चन? यश यस, बहुत अच्छे। अब सुनिए मैं एक कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूं, मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको याद आ जाए, वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन, नहीं हो तो ये सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अलग पेज पर करें, याद रखिए मेन नोट्स में मत लिखें, अलग पेज पर लिख लें। वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन, तो केस फर्स्ट एक है एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब 1 atm एंड 0 degree Celsius, मतलब 273 केल्विन। तो यहां पर मोल्स निकालने का तरीका आपको बताया था कि वॉल्यूम ऑफ गैस ये एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4, और केस सेकंड देखिए रिवीजन का मतलब ये हुआ कि आपको ये नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल कराया जाए, थ्योरी रिवीजन भी कराया जाए। केस टू ये है कि इफ एसटीपी is not mentioned, समझा कि नहीं, या temperature pressure, यानी temperature and pressure are other than STP, ये मतलब हो other than STP, STP के अलावा दिया हो तो हम PV is equal to NRT से questions करेंगे। ये syllabus में है, आगे है, लेकिन ये concept clear करना है कि सर volume का, gas का volume दिया रहे। और तीसरा कंसेप्ट क्या था वो तो आपको सबको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉलिड दिया हुआ हो तो मोल्स का फॉर्मूला था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास। बताइए क्या आपका ये कंसेप्ट रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सच सच बोलिए। यस, हाँ यश, तुफैल, सब कंसेप्ट रिवीजन हो गया? हाँ, तो इसको लिख भी लीजिए। देखिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन अलग पेज पर कीजिए, अलग पेज आओ, जब कंप्लीट हो जाएगा तो उस पेजेस को मेन अपना नोट्स में लगा लीजिएगा, इसको अलग पेजेस पर करें। ये उस वक्त तक ये सीरीज चलती रहेगी जब तक के सेकंड चैप्टर ना खत्म हो जाए। आज हम कुछ नई चीज बताएंगे आपको, तो ये मैंने एक क्वेश्चन करा दिया और ये थ्योरी रिवाइज करा दिया आपको। इससे ये फायदा होगा कि आप पहला चैप्टर घर पे ना भी पढ़ेंगे तो आपका हफ्ते में एक एक दिन रिवीजन, बस आपको सेकंड चैप्टर पर टारगेट करना है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2।
पहले आप बनाए, मैं ऑप्शन दे दूंगा। ओके चलिए खस फेल आंसर दीजिए। यश आंसर दीजिए। ये सब क्लास में कराए भी जा चुके हैं, दोबारा कराया जा रहा है कंसेप्ट। ओके खसपेल का आंसर नहीं आया, यश का नहीं आया। दिव्यांशी खसपेल का आंसर आ गया। देखिए जिसका 20 ml आंसर आया है वो गलत है, कंसेप्ट रॉन्ग है आपका। प्लीज सुनिए, आपको कह रहा है क्या ये कंसेप्ट नहीं सिखाया गया? वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल कह रहा है तो हम मास भी वन मॉलिक्यूल का लेंगे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये है कंसेप्ट, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब आइए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मेथेनॉल क्या लिखेंगे? 32U, मतलब 32 बाय अवोगाड्रोस नंबर ग्राम। अब ये वॉल्यूम में रख दीजिए, वॉल्यूम निकालना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना है? 32 डिवाइडेड बाय 6.022 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 1.6। अब सुनिए अच्छे से, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, मैट्रिक्स दे चुका हूँ, पहले तो आप इसको सॉल्व कीजिए। ये कितना आ गया भाई? 20, और 1 बाय दिस, मैंने आपको ये नहीं सिखाया है, 1 बाय अवोगाड्रोस नंबर जो होता है 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1.66 10 टू द पावर -24। अगर आप इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये कंसेप्ट है आमना दिव्यांशी तुफैल। अफसोसनाक बात है, गलत आंसर क्यों आया? देखिए रिवीजन से कितने फायदे हो रहे हैं। 32.2 into 10 to the power 24 ml. क्या ये कोई ऑप्शन में था या नहीं? अगर बी ऑप्शन में 23 लिखा हुआ है तो बी ऑप्शन को 24 बना लीजिए प्लीज, बी ऑप्शन को -24 बना लीजिए तो बी ऑप्शन होगा।
सच सच बताइए, यश वगैरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस कराया जाए और कॉन्सेप्ट बिल्डअप ना हो। मास वॉल्यूम वन मॉलिक्यूल का कहा जा रहा है, तो मास भी वन मॉलिक्यूल का ही लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुफैल, आमना अब्बास, हाँ ये याद रखें, जो आंसर जो उन्होंने 20 ml का आंसर दिया था वो ये है। क्वेश्चन लिख भी लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर ये क्वेश्चन होता कैलकुलेट द, लिख भी लीजिए वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ मेथेनॉल तो आंसर आता। डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल आपको दिया हुआ रहेगा, तो आपको क्या करना है, दिमाग में कंसेप्ट क्या है, वॉल्यूम वन मोल का कह रहा है तो हम मास वन मोल का निकालेंगे। जितने का वॉल्यूम का है उतने, तो मास ऑफ वन मोल ऑफ मेथेनॉल क्या हो जाता, 32 ग्राम। बस वॉल्यूम निकाल लेते 32 pi 1.6, ये आता आंसर 20 ml। समझ में आया? तो याद रखिए वन मोल का मास का है, वन मोल का वॉल्यूम का है, तो इसको भी लिख लीजिए दोबारा आप लोग। ये भाई देखिए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? गलती नहीं होनी चाहिए, प्लीज। रिवीजन का मतलब है कि आप उस पर खड़े उतरें, दोबारा गलती ना हो। चलिए एक के थोड़ा सा मैं अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले मैं आपको टाइम दूंगा, आप बनाइएगा, अगर बन जाए तो ठीक है। दो एम एल में 35 ड्रॉप्स वाटर है, या एक मिनट रुकिए रुकिए, ये आप कर दीजिए, वाटर कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। चलिए बना के दिखाइए। कंसेप्ट वही होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास। बस आप वन ड्रॉप
का वॉल्यूम निकाल लीजिए, वन ड्रॉप का वॉल्यूम्स, वन ड्रॉप, मैं हिंट दे रहा हूं, वन ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल लीजिए और आपको मालूम है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास, आपको आंसर आ जाएगा। जल्दी करके दिखाइए। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिक्विड का वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोल्स निकालने का तरीका है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास। वन ड्रॉप का मोल्स कह रहा है तो वन ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल लीजिए। विच ऑप्शन? यश, अरे आमना, कौन सा क्वेश्चन कहा था आपने, वो मैं मिस कर गया। कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, मैसेज नहीं देखा मैंने। आमना, वन मोल वाला, वॉल्यूम ऑफ वन मोल की वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालना, ये अच्छा, वो तो आपके नोट्स में तो होगा, आप पढ़ती नहीं है। चलिए मैं दोबारा समझा दूंगा। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ वन, चलिए मैं दोबारा बता दूंगा। चलिए देखिए कंसेप्ट क्या इस्तेमाल करें, क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यहां पर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास होगा, ये कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, इसमें किसी को दो राय नहीं। अब देखिए हमें कह रहा है, ठीक है ठीक है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। यश थैंक यू, यस कॉन्ग्रेचुलेशन, यस कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए अब सुनिए, आप दो मिनट रुक जाइए, आप सुनिए अच्छे से, लिक्विड का वॉल्यूम दिया हुआ है, लिक्विड का डेंसिटी दिया है, तो ये कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। अब लास्ट लाइन को पढ़िए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन ड्रॉप, तो देखिए खुद सोचिए, सिंपल सिंपल ये है, 35 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, 2 ml, तो बस वन ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2/35, बस दिस इज द आंसर। क्या देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन था, 2/35 डेंसिटी 1/2 मोलर मास 70, सॉल्व करेंगे 2 × 1.2, 35 × 70, 235 विच शुड बी इक्वल टू 35। आमना अब्बास बताइए, खस फेल बताइए, कितना आसान क्वेश्चन था, बोलिए बोलिए बोलिए, मजा आया कि नहीं आया। तो रिवीजन में नए नए टाइप के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, नए नए टाइप के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि देखो मेन क्लास में इतना कराया जाएगा तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो क्लास में है कि पूरा टॉपिक कराया जाएगा, टीचर क्वेश्चन भी कराएगा, बाकी रिवीजन क्लास को सीरियस लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट आज नहीं आए हैं रिवीजन में, उनका नुकसान होगा, बाद में उनको बहुत सारे क्वेश्चन में डाउट रहेगा। इसको मेन क्लास के फॉर्म में जानिए। अच्छा आमना बात समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोले। तुफैल आया कि नहीं आया, तुफैल आया कि नहीं आया, तो चलिए ऐसा करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन और दे देते हैं, है कि नहीं, कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके हर्षित आ गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेट ही सही आप आए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए क्या मैं एक क्वेश्चन दूं इस पर, आप लोग तैयार हैं, रेडी हैं? हाँ वेरी गुड,
चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर। आमना आपका डाउट है मेरे पास, मैं आपको करा दूंगा इसी क्वेश्चन के बाद। इफ 1 ml ऑफ वाटर contains 20 drop, ठीक है, calculate the number of mole, number of mole in 1 drop of water, ठीक है। चलिए आंसर दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन 1/36, 1/360, 1/18, 1/180। अरे वाह खसपाल, तुम तो यार कंप्यूटर से भी तेज आंसर दे दिए भाई, अल्लाह अकबर, बहुत अच्छे हो खसपाल। अच्छा खसपाल, रिवीजन से फायदा हो रहा है ना आपको? क्योंकि नया नया क्वेश्चन आ रहा है, आपको मजा भी आएगा। कुछ लोग सोचते होंगे कि अरे क्या रिवीजन करें। देखिए रिवीजन में क्या होगा कि मैं थ्योरी भी रिवाइज कर दूंगा, और जैसे अभी एक आते ही मैंने मोल्स करने का निकाला। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबका आंसर आ गया होगा शायद, बी, वेरी गुड। अब देखिए कैसे करेंगे। हर्षित आप समझिए, हाँ हर्षित का भी आंसर आ गया। देखिए हर्षित आप भी समझिएगा, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। देखिए कि 20 ड्रॉप का वॉल्यूम 1 ml है, 1 ड्रॉप का वॉल्यूम 1/20, बस मोल्स जिसका कहेगा, मोल्स फॉर्मूला। अब देखिए ये आपको दिमाग में सेट हो गया होगा ये वाला फॉर्मूला, कि लिक्विड सॉलिड का अगर वॉल्यूम दिया हुआ हो तो हम कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। 1/20, डेंसिटी 1/18, दिस इज द आंसर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बोलिए सारे लोग इस तरह का कंसेप्ट समझ गए। बोलिए बोलिए, 1 ड्रॉप का वॉल्यूम कहा तो मोल कहा तो हमें वन, उसी तरह आमना मॉलिक्यूल 1 मोल का कहा, 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कहा था तो आप भी 1 मॉलिक्यूल का मास निकालिए, डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, जो आपका ऑप्शन था, जो आपका डाउट है, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आमना सुनिए, आमना आमना सुन रही हैं आप? हाँ तो बस समझ में आ गया होगा आपको, वॉल्यूम 1 मॉलिक्यूल का कहेगा तो मास भी 1 मॉलिक्यूल का निकालेंगे और उसको डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम 1 मोल का कहेगा साइंटिस्ट। चलिए एक बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, है आसान, मैं देखता हूँ कि आप लोग करते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ मास ऑफ, पूरी थ्योरी मैं रिवाइज कर दूंगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, 1 एटम ऑफ एलिमेंट एक्स इज 6.643 - 23 ग्राम, कैलकुलेट द, कितना आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, आप भी को बड़ा ये होगा अजीबो गरीब,
सर कितना आसान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कीजिए 20 kg ऑफ इट। ए ऑप्शन 20 mole, बी ऑप्शन 40 mole, सी ऑप्शन 400 mole, डी ऑप्शन 500 mole। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू। मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। ओह माय गॉड, तुफैल का आंसर बी है। ओके तुफैल, दोबारा चेक कीजिए, दोबारा चेक कीजिए। तुफान का आंसर 500 आया। ओ माय गॉड, हर्षित खसपेल, दिव्यांशी, यश, आमना। अच्छा ये पहले बताइए, सारे लोग अनम्यूट करके मुझे, सारे लोग, मैं हर्षित, हर्षित से पूछ रहा हूँ। हर्षित, मोलर मास क्या दिया हुआ है? हर्षित बोलिए, तो बोल के आंसर दीजिए। अनम्यूट हैं आप? यस सर। हाँ, मोलर मास क्या गिव, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या इस क्वेश्चन में मोलर मास गिवन है? यस सर। नहीं, एलिमेंट का नाम तो नहीं है ना, तो मोलर मास गिवन डायरेक्टली गिवन नहीं है, हम निकालेंगे। अगर ऑक्सीजन एटम लिखता तो मोलर मास 16 ग्राम होता, यहाँ एलिमेंट का नाम नहीं है। ओके हर्षित, हर्षित हाँ, तो इस क्वेश्चन की खास बात ये है, इसलिए कह रहे हैं ना थ्योरी समझ में आना चाहिए हमें। मोलर मास एलिमेंट का नाम जब है ही नहीं है, तो मोलर मास की क्या डिफिनेशन है, गौर से सुनिए थ्योरी दोबारा। मास ऑफ 1 mole ऑफ एटम भी या मॉलिक्यूल भी, याद कीजिए थ्योरी को। इसलिए मोलर मास बताया था ना, दो तरह का होता है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए क्वेश्चंस में मास ऑफ 1 atom दिया हुआ है 6.643 - 23 ग्राम, तो मास ऑफ 1 mole क्या हो जाएगा बताइए? 1 mole क्या हो जाएगा? इसको आप एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड कर देंगे। जब एक एटम का मास मालूम है तो आप इसको आप एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड कीजिए, कैंसिल, दिस इज 40 ग्राम, दिस इज कॉल मोलर मास। एक तीर से दो, देखिए इतना आसान, आसान तो है क्वेश्चन, क्यों दिया मोल निकालने के लिए कि एलिमेंट का नाम नहीं, इतना आसान क्वेश्चन तो देगा नहीं ऑब्जेक्टिव में कि भाई मोल्स निकालो 20 kg में। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट का नाम नहीं है, इसलिए तो कहा जाता है मोल कंसेप्ट की थ्योरी को आप पढ़िए अच्छे से, हमने सारी की डिफिनेशन तक लिखवाई है आपको। तो अब यहाँ पर आइए, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम, 20 kg बाय 20 kg इनटू 1000 बाय 40 कैंसिल, तो दिस इज द डी आंसर। बताइए ये डी ऑप्शन, क्या सबको कंसेप्ट समझ में आया? देखिए एक तीर से दो निशाना, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, मोल्स निकालने को तो दिया गया लेकिन यहाँ एलिमेंट का नाम नहीं था, और एलिमेंट का जब नाम दे देता तो इतना अच्छा, इतना आसान क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नहीं, इसीलिए ये आपको बताया गया। बोलिए आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन?
हर्षित, यश, सबको समझ में आ गया? आमना, देखिए बहुत अच्छे, ये सब सीखिए कि मोलर मास गिवन नहीं था। मोलर मास अगर गिवन ना रहे, एलिमेंट का नाम नहीं दिया रहे, तो हम मोलर मास कैसे निकालेंगे? वन एटम का मास क्वेश्चन में दिया रहेगा, अवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो वो मोलर मास आ जाएगा। तो इससे ये नया नया सब क्वेश्चन सबको समझने की कोशिश करना। चलिए मैं एक आसान क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद मैं एक नए कंसेप्ट की तरफ आऊंगा। मैं ये देता हूँ कि आप देखिए कि ये क्वेश्चन देखिए, मैं भूले तो नहीं आप लोग? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, आपको निकालना है एनओ थ्री माइनस में, विच ऑप्शन इज करेक्ट? हस्पेल का आंसर आ गया है, डी ऑप्शन है। ओके ठीक है, ठीक है, ओके। आमना, दिव्यांशी, सबका आंसर आना चाहिए। यश, यश देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। यश, चलिए पहला काम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। एनओ थ्री माइनस का मोलर मास 14 प्लस 48 62, जीरो पॉइंट जीरो फाइव। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.05 इंटू अवोगैड्रोस नंबर इंटू एनओ थ्री माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7, 24 प्लस 1, 32। पहले बताइए मेथड सबका सही है, पहले जल्दी बताइए मेथड सबका सही है। Yes, sir. एक बात बताइए, 5 इंटू 32 कैसे सॉल्व करेंगे? 6.022 10 टू द पावर 21। अब ये आया 160,
इंटू 6.022 10 टू द पावर 21। तो 16 को आप जब 9.6 आ जाएगा, जो भी आए कितना आ जाएगा, ये आ रहा था आपको एक्चुअल वैल्यू जो आएगी 16 इंटू 6.022। अच्छा नाइन, क्या ये कोई ऑप्शन में है? क्या ये कोई ऑप्शन में था? हाँ, तो ये डी ऑप्शन रहेगा। पहले मेथड सब चेक कर लीजिए। हाँ, जिन्होंने ये भी लिखा ये भी सही है 23, वो तो डी, हाँ वो तो समझ लेना है कि ऑप्शन में कौन है या नहीं। सबको समझ में आ गया? चलिए, तो डी ऑप्शन था। बन सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? बोलिए बोलिए, एक आध क्वेश्चन दे दिया कि आपको याद है या नहीं। ठीक है, अब देखिए कि एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और जो नीट में आ चुका है इस चैप्टर से, नीट में। देखिए ये, और आपसे उम्मीद है कि आप बनाएंगे। नीट और जी कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट से होता है। ऐसे ये नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, लिखना शुरू कीजिए। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस, कोई सिलेंड्रिकल वायरस है, उस सिलेंड्रिकल वायरस की रेडियस जो है, रेडियस एंड लेंथ आर 7 एंगस्ट्रॉम। कल एंगस्ट्रॉम बता दिया था, याद है सबको? कल बताया था ना सबको 10 एंगस्ट्रॉम। इज 6.02 इंटू 10^-2 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है द मोलर मास ऑफ वायरस, पूछ रहा है वायरस का मोलर मास। मोलर मास का मतलब वही है, 1 मोल का मास। तो एक एक वायरस का मास निकाल लीजिए, उससे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो मोलर मास निकल जाएगा। ओके सर, वो यूनिट सही है? जोर से बोलिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर। नहीं नहीं, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए वैलिड था? वो स्पेसिफिक ग्रेविटी बता सकते हैं आप? लिक्विड के लिए था। अब ये लिक्विड नहीं है, ये सिलेंड्रिकल वायरस है, तो वो अपने से ये लाइन लिख दिया। ओके, नहीं समझ में आया? स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर लिक्विड के लिए दिया रहेगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड के लिए होती है, समझ रहे ना? वो यहाँ पर यूनिट देख कर आपको निकाल लेना है इसका मीनिंग, समझ गए? समझ में आया कि नहीं? जब वो यूनिट लिख दिया है तो इसी यूनिट के जरिए हम, यही इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके ओके सर। हाँ, क्या आप लोग ट्राई करेंगे पहले? हस्पेल? यस सर। हाँ, एक हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई कीजिए। गलत या सही कुछ भी नहीं है,
मोलर मास है, एक वायरस का मास निकाल लीजिए। और मैं आपको हिंट दे दिया हूं, यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की मीनिंग इससे निकाल लीजिए, सेंटीमीटर का मतलब वॉल्यूम पर मास, यही इसकी की पॉइंट है। कोशिश कीजिए, ये नीट का क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो रिवीजन क्लास में इसी तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो उसको सीरियस होके आइए, उससे बहुत फायदा होगा। जितना क्वेश्चन कीजिएगा आपका डर, खौफ, हड़बड़ाहट, कमी, ये सब क्लियर होगा। चलिए मैं आप बताऊं, चलिए कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, टाइम खत्म। आप सुनिए, आंसर आ गया क्या, किसी का आंसर आया है? अच्छा चलिए देख लेते हैं, चलिए अब गौर से सुनिए। पहले आप कंसेप्ट लगाइए स्पेसिफिक ग्रेविटी, कंफ्यूज नहीं होएगा। एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, लेकिन यहाँ यूनिट से आपको जो क्वेश्चन में जब दिया हुआ है तो उससे आपको कंसेप्ट निकालना है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखिए यूनिट देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर पर, मतलब देखिए सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है जानते हैं आप, वॉल्यूम। हाँ वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ वन वायरस, वॉल्यूम ऑफ वन वायरस डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन वायरस, है कि नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए, ये है यूनिट केमिस्ट्री में। हाँ ठीक है खासपाल, आप देखिए, आप खासपाल समझिए, ठीक है ठीक है, खासपाल समझिए। हमें अब यही मेन टारगेट करना, पहले मास ऑफ वन वायरस निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया। अब हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल वायरस है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एल पढ़ा होगा आपने, 22.7 एंगस्ट्रॉम है तो 7 × 10⁻¹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 ⁻
लेकिन देखो सेंटीमीटर में है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं -8 सेंटीमीटर, तो -8 का whole square -10 × 10⁻¹ के सेंटीमीटर में लेना है, 22 × 7 = 49 × 10⁻¹ × 10⁻¹. तो देखिए 7 × 7 = 154 × 10⁻²³ cm³. बताइए यहां तक सबको समझ में आया वॉल्यूम ऑफ वन वायरस? सबको समझ में आया? यश, यशपाल, हर्षित, आमना, तुफैल, दिव्यांशी, यहां तक आया कि नहीं? फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक लिखिए जल्दी से, यहां तक लिखिए। वेरी गुड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहां जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी की
यूनिट से हम यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए लिख लीजिएगा, वेरी गुड, बहुत बेहतर, लिख लीजिए। और कोई कंफ्यूज करे, देखिए 1 एंगस्ट्रॉम 10 माइनस 10 मीटर, यहाँ सेंटीमीटर है इसलिए हमने सेंटीमीटर में लिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको आपको इरेज कर देते हैं। अब देखिए, गौर से सुनिए, अगेन गौर से सुनिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वॉल्यूम ऑफ वन तो कितना आ गया, 154 -23, मास ऑफ वन वायरस। अब यहां से क्या कीजिए, सारे लोग समझिए, मास ऑफ वन वायरस इज इक्वल टू 154 23 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 6.02, समझा कि नहीं, इनटू 10 to the power -2। अभी कुछ भी सॉल्व मत कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर सॉल्व करने लगते हैं, गलत, यहीं तक रहने दीजिए। ये आपका आ गया मास ऑफ वन वायरस। अब सुनिए, जब मास ऑफ वन वायरस आ गया तो मोलर मास का क्या मतलब होता है कि एक एक के वायरस, एक यानी वन एटम के मास को अवोगाड्रोज नंबर से मल्टीप्लाइड करना, तो 6.02 10 to the power -2 into Avogadro's number, तो ये आपके पास हो गया, ये पूरा कैंसिल, सॉरी ये तो 6.02, ये कितना था, 6.02 था, चलिए वही है, लगभग वही है, चलिए कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपके पास आ गया 154 into 2 154 100 ग्राम। कितना अच्छा क्वेश्चन था, सबको समझ में आया कौन सा ऑप्शन सही है। अरे हर्षित गलत आंसर, देख लो आंसर 5400 ग्राम। बोलिए बोलिए, आया कि नहीं समझ में, चलिए इसको और साफ कर देता हूं, मैं इसको साफ से लिख देता हूं। मैं देखिए एकदम अच्छा क्वेश्चन था, और देखिए क्वेश्चन स्टैंडर्ड से लग रहा था कि ये जी में जी के लायक है, लेकिन नहीं, मेडिकल में पूछा गया, ये जी और नीट कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ओके, यहां पर आपने लिख दिया मोलर मास इज इक्वल टू 154 10 to 23 6.02 -2 into 6.02 23 अवोगाड्रोज नंबर से मल्टीप्लाइड करना। अब बताइए सारे लोग, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, समझा, देखिए सारे क्वेश्चन नए नए हैं, सबको समझ में आ गया। हर्षित कुछ तो बोलिए, हर्षित, यश, यश आपको समझ में आया, आमना, दिव्यांशी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए अब मैं एक कंसेप्चुअल पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूं, स्कूल में तो नहीं आता है ये कंसेप्ट, लेकिन कंपटीशन में आता है, तो आपका बैच चूंकि इस तरह का बैच है तो एक बहुत ही आसान कंसेप्ट है, तो एक नई चीज मैं पढ़ा देता हूं। देखिए बाकी क्वेश्चन, देखिए वन एटम का मास ये सब तो आपको पढ़ ही लिया है, समझा कि नहीं, तो या एक क्वेश्चन मैं, अच्छा चलिए ठीक है, एक कंसेप्ट है एवरेज मोलर मास,
एक मैंने पढ़ाया था एवरेज एटॉमिक मास जो सिलेबस में है, और एक है एवरेज मोलर मास। ये कंसेप्ट है। पहली बात ये जान लीजिए कि दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर गैस। पहली बात ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। दूसरी बात क्या मतलब हुआ एवरेज मोलर मास का, मतलब द मास ऑफ, गौर से सुनिए, वन मोल, मोलर मास का मतलब ही मोल, वन मोल ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर कंटेनिंग मोर देन वन गैस। समझ में आया, इज कॉल्ड एवरेज मोलर मास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखिए इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, देखिए लिख लीजिए एवरेज मोलर मास का मतलब ये एप्लीकेबल होगा गैस के लिए, द मास ऑफ वन मोल ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग मोर देन वन गैस इज कॉल्ड एवरेज मोलर मास। इससे पहले पढ़ा था एवरेज एटॉमिक मास, लिख लिया, सब लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक। अब आइए इसके निकालने का तरीका। बोलिए, लिख लिया आमना, दिव्यांशी, हर्षित, खसपेल, तुफैल, यश, बताइए लिख लिया? यस सर। गुड, वेरी गुड। अब सुनिए कितना आसान फॉर्मूला है, गौर से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। अच्छा, मोल कैसे निकालते हैं? देखिए गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास, सुनिए इसी तरह है। जब भी कहे एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो देखो इस फॉर्मूले से, देखो भूलना नहीं है, गिवन मास ऊपर ही रहेगा, तो गिवन मास ना लिखकर टोटल मास, चूंकि मिक्सचर है, डिवाइडेड बाय मोल इधर चला जाएगा, तो क्या लिखोगे? टोटल मोल। पहला फॉर्मूला ये आया। बताओ क्या ये सब चीज नहीं पढ़े हो, बस तुम नया टर्म्स पढ़ रहे हो। एवरेज मोलर मास निकालने का देखो कभी नहीं भूलोगे, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास इज इक्वल टू मास बाय मोल। अब यहाँ पर मास ना बोल के टोटल मास एंड टोटल मोल्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो एवरेज मोलर मास का सबसे पहला फॉर्मूला हुआ, सबसे बेसिक फॉर्मूला हुआ। बोलिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस या नो? यस, थैंक यू। पहला फॉर्मूला हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखिए गौर से सुनिएगा, मान लीजिए कोई मिक्सचर है, ठीक, उसमें क्या है, सारे लोग ध्यान दें, बहुत आसान चीज है, समझा कि नहीं? कोई गैस है, कोई मिक्सचर है, उसमें आपके पास दो गैस है या तीन गैस है, कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। हम आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करके समझा रहे हैं, ठीक है? तो देखिए कोई दो गैस है, गैस फर्स्ट और गैस सेकंड, ठीक है भाई? इसके मोल्स को अगर हम ये कहें, इसके मोल्स को अगर हमने मान लिया कि N1 है, क्या है? N1 है, वेरी गुड। इसके मोल्स को मान लिया N2 है, तो देखिए नया फॉर्मूला क्या आएगा, गौर से सुनिएगा, लिखना गुना है, गौर से सुने। एवरेज मोलर मास का अपना ओरिजिनल फॉर्मूला, टोटल मास बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। अब आइए एक मिनट सुनिएगा, ऊपर देखिएगा सारे को, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो बताइए मास हम कैसे निकालेंगे, मोलर मास इनटू मोल लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ मास तो गिवन नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं? M1 N1 M2 N2, ये मास हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स N1 प्लस N2, दूसरा फॉर्मूला। और मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा इस पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? जल्दी बोलो।
सारे लोग बताओ ये वाला फॉर्मूला है कि नहीं, मास को मोल इनटू मोलर मास लिख सकते हैं ना, m1 n1 m2 n2, बोलो बोलो बोलो। अरे तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, हर्षित भी नहीं बोल रहा है, यश भी नहीं बोल रहा है, ये दिव्यांशी भी नहीं बोल रही है। हाँ 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 बोलोगे तब ना मुझे मजा आएगा। ए अल्लाह यश तुम कुछ तो बोलो, अगर हाँ लिख भी सकते हो बोल भी सकते हो। सब लोग अनम्यूट हैं, लो सब लोग अनम्यूट हैं भाई, लीजिए सब लोग अनम्यूट हैं। हाँ वेरी गुड, तो ये लिख लीजिए तो जल्दी से। हो गया सर, हो गया माशाल्लाह। अब देखिए एक कितना जबरदस्त फॉर्मूला एक आ रहा है, और ऑब्जेक्टिव देंगे धर धर हो जाएगा आपसे। बस वेरिएशन याद रखिए, ओरिजिनल फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, समझा? आमना आमना, अरे आमना आवाज आ रही है? ये बेचारी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, कितनी शरीफ है ये, माशाल्लाह। चलिए आप सुनिए, देखिए देखिएगा सारे लोग, और मैं जिससे पूछूं वो बताए। एवरेज मोलर मास का भी फॉर्मूला क्या पढ़ा, m1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस या नो? अभी जो जस्ट लिखा था ऐसे, देखो देखो लिख सकते हैं, हर्षित यश सब लोग बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, m1 n1 by n1 plus n2 को, माशा बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा, और सारे लोग, n1 क्या मोल है, वेरी गुड। अच्छा बताओ ये रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इज कॉल्ड, रेशियो ऑफ मोल्स को क्या कहते हैं, जल्दी बोलो। मोल फ्रैक्शन, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है खसपेल यार, मैं क्या बताऊं, दिल खुश कर दिए। देखो ये टॉपिक क्यों नहीं पढ़ाया गया पहले, अब आ गया इसको m1 chi 1 m2 chi 2, लो लो दूसरा तीसरा फॉर्मूला ड्राइव। अब तूफ़ैल तुम नहीं पढ़े हो, तुम्हारी क्लास मोलैरिटी की लगने वाली है, वो आज मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। ये काई वन क्या, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब ही होता है मोल का रेशियो। बोलो हर्षित और यश क्या तुम सीखे हो कि नहीं? यस सर। हाँ तो देखो कितना एवरेज मोलर मास कहां से कहां फॉर्मूला आ गया। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, अब देखिए आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं, तो देखिए देखिए, तो इसीलिए कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन तभी अच्छे से समझ में आते हैं जब आप पूरा चैप्टर एक दफा पढ़ लीजिए, तो अब देखिए मुझे समझाने में आसानी होगी। तो रेगुलर क्लास में तो आपको आना ही है, और ये एक क्लास जो रखी गई है इसमें भी जरूर आइए, इससे कंसेप्ट क्लियर होगा, रिवाइज होगा, मेन बात तो ये है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने तो बोलिए बोलिए, कोई लोग लिख लिया सर? लिख लिया माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन दे दूं मुझे बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि एवरेज मोलर मास पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कैलकुलेट द, लिखना शुरू कीजिए आप, बहुत जल्दी जल्दी बनाइएगा, कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास, कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास इफ द मिक्सचर कंटेन, इफ द मिक्सचर्स कंटेन इक्वल वेट, इक्वल वेट ऑफ H2 एंड CH4। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, वेरी गुड बहुत बेहतर। टोटल मास बाय टोटल, पहले ओरिजिनल फॉर्मूला लिख लीजिए उससे फिर बताइए।
बी। वाह 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 वाह, बहुत आसान है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। थर्ड बी ऑप्शन इज द करेक्ट। यश सबका आया होगा, यश तुफैल सबका आया होगा, तुफैल, हर्षित, दिव्यांशी, सबका आंसर आ गया होगा। देखो एवरेज मोलर मास है, देखो एवरेज मोलर मास है, फॉर्मूला ओरिजिनल, टोटल मास बाई टोटल मोल्स, कह रहा है इक्वल वेट है, तो दोनों के वेट को एक्स मान लो या डब्ल्यू मान लो, टू डब्ल्यू हो गया टोटल, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, मोल्स क्या लिखोगे, डब्ल्यू बाई टू गिवेन मास बाय मोलर मास, टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 9W/16, टू डब्ल्यू इंटू 16 बाई 9W, दिस इज द आंसर। बताओ बताओ, सबको समझ में आया? यश आपका आंसर आया था, देख लेते हैं। तुफैल, हाँ यस यस, आपको समझ में आया? हर्षित हर्षित, सर, कुछ तो आया, हाँ बहुत सर, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए लिख लीजिए। यश आपको समझ में आया, एक दफा आप बोल दीजिए। यस सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? यस सर, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। आज मैंने मोलारिटी वगैरह जानबूझ के नहीं करा, नेक्स्ट क्लास सिर्फ मोलारिटी मोलालिटी पर होगी पूरा। आप लोग डिफिनेशन कम से कम पढ़ के आएंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मत करेंगे, डिफिनेशन, मोल्स कैसे निकालते हैं, बस सब एक दफा देख लीजिएगा अच्छे से, शॉर्टकट फॉर्मूला देख लीजिएगा। हर्षित, तुफैल, सॉरी खसपेल, ये सबको मैं कह रहा हूँ, और यही सेकंड पार्ट पर और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, समझा कि नहीं, मोलारिटी, उसके बाद फिर लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह पर, घबराइए मत, सब पूरा आपका मैं, तब आपको एहसास होगा हाँ कुछ पढ़ा है, एकदम मिक्सचर। बस जो प्रैक्टिस रिवीजन कराया जाए उसको अलग पेज पर लिखिए। इफ मिक्सचर्स कंटेन, इस मिक्सचर कंटेन 60 mole% ऑफ CO2 एंड 40 mole% ऑफ CH4, ओके, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास, ओके, फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ए ऑप्शन 300, बी ऑप्शन 320, सी ऑप्शन 426, डी ऑप्शन 328। चलिए बनाइए। डी 328, अच्छा सॉरी, आंसर होगा हाँ 32.8, यहाँ पर भी लिख लीजिए, सब में पॉइंट दे दीजिए बीच बीच में, इसको रहने दीजिए, दो पॉइंट ये में, हाँ दिस इज द करेक्ट आंसर। सुने कैसे, गौर से सुने, एक बात याद रखिएगा, पहले गौर से सुने, अगर मोल फ्रैक्शन 0.6 है तो जान लीजिए इसको मोल परसेंट में क्या बोलेंगे, जानते हैं, 60% मोल परसेंट है, फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो, और वही चीज है भाई, मोल फ्रैक्शन का है मोल का रेशियो, अगर मोल, ये याद रखिए, अगर मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो दूसरी मीनिंग मोल परसेंट क्या हो जाएगा, 40%, वही हाल है, तो आपको ये फॉर्मूला लगेगा। बताओ एवरेज मोलर मास M1 Ki1 M2 Ki2, 60%, 0.6 कार्बन डाइऑक्साइड 44, M2 आपके पास क्या है, मीथेन है 16,
ये क्या है 0.4, दिस इज द आंसर। बोलिए आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? यस या नो एवरीवन, एवरीवन यस या नो? यश आपको समझ में आया? हर्षित समझ में आया? चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब तक देखिए आप क्या कीजिए, देखिए मैं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये सब आप सीख चुके हैं बहुत ज्यादा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक आध क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में इस पर भी दे दूंगा, ऐसे मैं करा चुका हूँ, फिर भी एक आध क्वेश्चन, फिर हम मॉलिक्यूलरिटी वगैरह शुरू करेंगे। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।